हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। डीके टूर्स एंड ट्रेवल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, अगर आप अप्रैल मंथ में गोवा आने का प्लान कैंसिल कर रहे हो तो रुकिए, मैं आपको बताता हूँ गोवा के बारे में। बिल्कुल भी अपनी ट्रिप को कैंसिल मत कीजिए, आप गोवा आ सकते हो। गोवा में सारा कुछ एज इट इज ओपन है, कुछ भी क्लोज नहीं है। ओनली म्यूजिक जो ओपन हाउस म्यूजिक होती है, जैसे कि बीच पार्टी पे जो म्यूजिक होती है, सेग में म्यूजिक चलती है, वो म्यूजिक आफ्टर 10:30 के बाद क्लोज हो जाती है। बाकी वाइन शॉप भी 10:30 के बाद क्लोज हो जाते हैं। अगर आपको म्यूजिक का मज़ा लेना है और इंजॉय करना है, म्यूजिक है, घूमना है, तो आप म्यूजिक, इन हाउस म्यूजिक जितनी भी हैं वो सारी की सारी ओपन है। इसके अलावा आ जाइए, मैं आपको एक चीज़ के बारे में और बताने जा रहा हूँ। यह है डिनर क्रूज़ पार्टी। यह डिनर क्रूज़ पार्टी, इसका स्टार्टिंग टाइम है 9:00 से 12:00। हाँ जी, 9:00 से 12:00 वहाँ पे इंक्लूडिंग रहेगा अनलिमिटेड बफे डिनर्स, 2 ड्रिंक्स और ड्रिंक्स एंड डीजे म्यूजिक, 3 वेलकम डांस, गोवन फोल्क डांस एंड 3 आवर क्रूजिंग। जब आप डिनर क्रूज़ के लिए जाओगे, डिनर क्रूज़ में एंट्री से लेके एंडिंग तक बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ, आप ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये डिनर क्रूज़ एक नया स्टार्ट हुआ है अभी गोवा में, जो आइलैंड पे भी लेके जाता है और फैमिली एंड कपल्स के लिए डिनर क्रूज़ है। जब डिनर क्रूज़ स्टार्टिंग पॉइंट हम करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट करने के बाद डिनर में हम चढ़ते हैं, ऊपर जब जाते हैं वेदर डेक पे, डिनर के क्रूज़ के छत पर जाते हैं, तो जो आसपास का व्यू है एकदम ऑसम, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इसे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, क्योंकि इसका साइड सीन में जो भी आपको दिखाते हैं, साइड सीन जैसे कि आपको बगल में दिखाएंगे डेल्टन जेट कैसिनो, कैसिनो रॉयल, कैसिनो ब्राइड, ये सारी साइड सीन आप देख सकते हो। पंजिम सिटी का लुक देखने में बहुत ही ऑसम लगता है, बहुत ही ऑसम लगता है। सिटी का व्यू, उधर से निकलते हो तो सामने अटल सेतु ब्रिज है, जो पंजिम में अटल सेतु ब्रिज है, उसके नीचे से होके निकलते हैं डिनर क्रूज़ के लिए जब आइलैंड पे जाते हैं। जब आइलैंड पे जाते हैं, जाते समय जो अटल सेतु का अट्रैक्शन से एकदम नंबर वन रॉकिंग लगेगा, आप देखते रह जाओगे क्या औसम नज़ारा है। डीजे डांसिंग है, आप कपल के साथ में इंजॉय कर सकते हो, फैमिली भी इंजॉय करेंगे और किड्स भी हैं उनको भी इंजॉय करने को मिलता है, क्योंकि बीच बीच में ये लोग डांस सेशन भी डालते हैं, साइड सीन भी कराते हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड आपको डिनर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इस क्रूज़ में क्या क्या इंक्लूडिंग होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस क्रूज़ में स्टार्टिंग में आपको 4 कूपन दिए जाते हैं, जिस कूपन में 2 कूपन होते हैं ड्रिंक्स के, जिसमें आप कुछ भी ले सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर हार्ड ड्रिंक्स। हार्ड ड्रिंक्स में बियर हो गया, जूसेस हो गए, या फिर आप पानी ले सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये आपको 2 कूपन ले सकते हो। इसके अलावा अगर से आप स्नैक्स का एक कूपन रहता है, जिसमें आपको वेज और नॉन वेज स्नैक्स मिलता है, स्नैक्स जो रहता है वो लिमिटेड क्वांटिटी होता है, उसका कोई वो अनलिमिटेड नहीं होता है। बट स्नैक्स के बाद डीजे डांसिंग करते हुए आप 3 आवर्स की क्रूजिंग करके जब आप आइलैंड पे पहुंचोगे, तो वो मज़ा ही कुछ अलग होता है, वो नज़ारा ही कुछ डिफरेंट है। नाइट में जाओगे, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छाया होगा, आप उस तरह उस टाइम पर जाके आइलैंड, समंदर के बीच में एक आइलैंड में, वहाँ पे जाके उतरोगे, वहाँ पे आप डिनर करोगे, डिनर का आनंद लोगे। डिनर में आपको वेज नॉन वेज अनलिमिटेड बफे डिनर है, अनलिमिटेड आपको डांसिंग भी, डांस करने के लिए जो डांस सेशन रहेगा अनलिमिटेड रहेगा, बट कोड ऑफ कंडक्ट होने के वजह से म्यूजिक बजता रहेगा। ओनली आपको ड्रिंक्स आफ्टर 11:00 के बाद वहाँ पर ड्रिंक सर्विस करना वो लोग बंद कर देते हैं। तो जब आप आइलैंड पे जाके अपना डिनर करोगे, डिनर आपका कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा से आप बोट में आके फिर दोबारा अगेन जाते समय ऑन द वे में डांसिंग म्यूजिक। दोस्तों, अगर आप गोवा आ रहे हो तो ये ट्रिप मिस बिल्कुल भी मत करना। अपनी ट्रिप में, अपने बकेट में, गोवा की बकेट, जब आप प्लेस में कहाँ कहाँ जाना है वो अपनी बकेट में ऐड कर लेना और ये ट्रिप को ज़रूर करके जाना। अगर ये ट्रिप आपकी छूट गई तो आप ऐसे मान के चलिए कि गोवा की आपकी ट्रिप अधूरी रह गई, क्योंकि डिनर क्रूज़ में बहुत ही औसम मज़ा आता है। अगर आप देखो कैसीनो भी जाना चाहते हो, क्योंकि एक्चुअली कैसीनो में क्या होता है, वो इन हाउस कैसीनो होता है,
कैसिनो में जाओगे, अगर गैम्बलिंग पर्पज से आप जाते हो तो कैसिनो में जा सकते हो। बट यहाँ पे क्या, यहाँ का जो मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे वेदर डेक पे जाओगे, साइड की जो व्यू है ना, देख के एकदम दिल खुश हो जाता है, मतलब कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। रियल में अगर गोवा आना चाहते हो और गोवा में स्कैम से बचना चाहते हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप ट्रेन, बस, फ्लाइट किसी से भी आइए और DK टूर्स एंड ट्रैवल से आप सीधे से संपर्क कीजिए, यहाँ से आपको बुकिंग मिल जाएगी, वो भी मार्केट से बेस्ट रेट, बेस्ट प्राइस में आपको बुकिंग मिलेगा, जो मार्केट में रेट चलेगा उससे बेस्ट एंड बेस्ट सर्विस आपको मिलेगी। और DK टूर्स एंड ट्रैवल का नंबर कैप्शन में दिया हुआ है, बाकी डिटेल्स अगर आपको कुछ गोवा के बारे में और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि DK टूर एंड ट्रैवल का मेन काम है गोवा का हॉलीडे, गोवा के एडवेंचर स्पोर्ट्स, गोवा के प्रॉपर बीच रिजॉर्ट, साइट सीन, आपका क्या बजट है, कब आना चाहते हो, DK टूर्स एंड ट्रैवल से आप संपर्क करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर देखने में तो आप चाहते हो कि अच्छा लगा है, तो इसको आप सेव कीजिए, वीडियो को शेयर और पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, गोवा आने वाली गैंग को शेयर कर लीजिए। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो अभी आ गए हैं हम दीवार आइलैंड पे, ये दीवार आइलैंड का नज़ारा है, यहाँ पे आप बफे डिनर करेंगे अनलिमिटेड, तो आप लोग यहाँ डिनर का एंजॉय कीजिए, प्लस साइलेंट म्यूजिक भी यहाँ पे होती है, साइलेंट म्यूजिक का भी मज़ा ले सकते हो। तो इस तरह से आपका वीडियो